हेलो गाइस, तो मैंने ईव टाइम मिला है घर पर आते सबसे पहले तो हमने खाना खाया। मन्ना रमन ने चाय और पराठे मस्त मम्मी ने बनाए हुए थे। और उसके बाद फिर बुआ आ गई थी क्योंकि आज हमारे घर पे फंक्शन है। और ये बस मम्मी और मोनू हो रहे तैयार, वो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को फीवर हो रखा है बहुत ज़्यादा और मेरी तबीयत भी ओके नहीं है, तो इसलिए मैं करूँगी इप रेस्ट। और अमन तो जा चुके हैं और बस मम्मी और मोनू अभी जाएंगे थोड़ी देर में, इतने में रेस्ट कर लेती हूँ। मैं जाऊँगी सीधा शाम को खाना खा कर आऊँगी बस। तो बस यही, तो मम्मी और मोनू तो जा चुके हैं और अब घर पे कोई नहीं है। सो लेट्स सी कैसा वेदर हो चुका है। आज धूप निकली थी ना, ये देखिए जी, वाओ कितना अच्छा है। गाड़ी भी कौन है, बाइक भी कौन है, मौसम भी अच्छा है और बस अकेली हूँ। शायद पापा भी है घर पे ही, मैं बोर हो रही हूँ मम्मी के बिना, मोनू के बिना और अमन के बिना तो है ही। तो मैं थोड़ी देर आ गई पार्क में अपनी खेती देखती हूँ। देख सको हमारे टमाटर यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। गाइज नज़र मत लगाना प्लीज़, ठीक है ना, कि वाह उनके तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, सबके होते हैं, हमारे कुछ ना होते, क्योंकि हमारे पेड़ आकर नज़र लग जाए ना जब बिल्कुल नहीं चलते। हमारे पेड़ में मिर्च वाला पेड़ जो हमने हटा दिया क्योंकि हमारे पेड़ का नज़र लग गई थी। तो प्लीज़ आप हमारे इनका है नज़र मत लगाना, नहीं तो मैं अगली बार दिखाऊंगी भी नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, एक भी पेड़ सूखा हमारा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी नहीं। और फंक्शन है चाची के घर पे और अभी सभी मेन गए हुए हैं, तो मैं अपने रूम में कर रही हूँ रेस्ट। और अभी तो ओके ओके लग रही है तबीयत भी। सुबह तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, बस पूछो ही वरना, जब हम आए थे। तो अभी मैं जाऊँ भीतर थोड़ी देर रेस्ट करके, फिर तैयार हो जाएंगे। हम हो गए सारे रेडी, बुआ भी रेडी और भाभी भी रेडी। अरे बुआ वो अपने आप आ जाएगी और मोनू भी रेडी। मम्मी कहाँ रह गई, मम्मी और अमन लेट कर रहे हैं। अमन तुम्हारा सिंगार ना हुआ, वो आ लिया। क्या लिया, चलो 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 गाइस, हम आपको फंक्शन में मिलते हैं, बाय बाय। हाय मम्मी, कहाँ जा रहे हो? हाय पापा। ओ ये बाबू बेटा एक से कोट। क्या बात है, ट्विनिंग कर रखी है। मम्मी मेरा नीट ना संगवाया जाता मेरे ते। आज भी मैं तो नाटू थी पर फिर भी मैं चल घर का फंक्शन है। और तो मैं बीमार हुआ ना करूँ, पर जब नू हो ना कि फंक्शन हो जब मैं वो जाया करूँ। कहो दी सच्ची बाव कुछ गणित तावड़ी तावड़ी नहीं, बीमार हो बस है। तो ये लो जी, हम पहुंच गए फंक्शन में और सब अपने अपने स्टार्ट हो चुके हैं। सब ने अपना यारा प्यारा पकड़ लिया है और उसके अलग लग रहे हैं बातें शाते। और ये देखो अमन की तरह राजी हो रहा है, और ये मैं और मोनू और मम्मी या चाची, ये अमन और ये। तो हम यहाँ की पूरे मज़े करने लग रहे थे, उसके बाद आ गई थी हमारी बुआ जी और यहाँ पे बुआ जी के साथ भी पोज देते हुए सभी ने दिया स्माइल। तो ये देखो जी सारे पोज दे लग रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है फंक्शन में। और ये देखो जी भाभी, भाभी भी आ गई थी, सारी चाची, मज़ा आ गया था और हम करें फंक्शन इंजॉय। लेडीज डांस फ्लोर पे और लेडीज ने लगा दी है आग। तो ये देखो, पहले तो मैं सिर्फ देखूं थी और दूसरी साइड हो रहा है फोटो शूट,
जिस पे प्रोग्राम है प्रिंसेस पे, और ये देखो जी यहाँ पे लेडीज सारी नाच रही है। उसके बाद आया हमारा नंबर फोटो शूट का, तो पहले गई मम्मी और चाची, उसके बाद तो मैं, अमन और जिस पे इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया वो प्रिंसेस आ चुकी है मेरे पास, और यहाँ पे मैं और फोटो शूट करवा रही हैं। तो वैसे तो मेरे को छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, पर उनको लेने में मेरे को बहुत डर लगता है कि कहीं उनको कहीं लग जाए, चोट लग जाए, कहीं अच्छे से पकड़ा जाए नहीं। पर बहुत क्यूट होते हैं छोटे बच्चे यार। और ये देखो यहाँ पे सारी बुआ इकट्ठी हो गई थी, तो ये बड़ी वाली बुआ, वो उससे बड़ी वाली बोली, वो उससे बड़ी वाली है, जो मैं आपको कैसे बताऊँ, पर ठीक है, मेरे घर वाले सारे समझ जाएंगे। और उसके बाद सारी बुआ पोज देने लग गई, और यहाँ पे मम्मी यार बातें करने लगी बुआ से। फिर उसके बाद ये देख सकते हो पार्टी बिल्कुल एक नंबर की चल रही थी, फुल मज़े आ रहे थे, डांस फ्लोर पर भी आग लगा रखी थी सभी ने तो, लेकिन इतना मज़ा आ नहीं रहा था। लेडीज सारी बैठ चुकी थी क्योंकि सारी थक चुकी थी, और मैंने खाना खाने की वीडियो भी नहीं बना पाई। और ये देखो जी फिर आ गए जेंट्स आग लगाने के लिए, क्योंकि लेडीज़ के बाद जेंट्स ही आग लगाते हैं फ्लोर पर। और ये देखो जी चाचा ताऊ फूफा सब यहाँ पे नाच रहे हैं, जिसको नहीं आता ना वो भी इस बार डांस किया, तो आप इंजॉय कीजिए डांस का। उसके बाद सभी डांस कर रहे थे, और अमन से भी रुका नहीं गया, फिर अमन भी डांस फ्लोर पे आ चुके थे। Oh, my God.
का डांस सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जेंट्स कहाँ रुकने वाले थे, जेंट्स को तो चाहे आप पूरी रात नचा लो, लेकिन फिर उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो गया था। 12 बज चुके थे, सबको अपने अपने घर जाना था। और ये देखो भी बहुत ज्यादा मजा आया और यहाँ पे सब जा रहे हैं, तो चलो वहाँ भी करना चाहे बहुत ज़्यादा। मुझे बाहर तो ना इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और अंदर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, पर लेकिन ठीक है फैशन तो ज़रूरी है। तो ये देखो थी बोल दिया और फिर हमारी हो चुकी थी जाने की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा और सभी ने किया बाय बाय इंजॉय, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया पूरी फैमिली के साथ। तो ये लो जी हम तो चल चुके थे, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और वो तो अच्छा धुंध नहीं थी, नहीं तो गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। तो बस इसी के साथ व्लॉग को तय खत्म। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, डांस सबसे ज़्यादा किसका अच्छा था। तो गुड नाइट सारा, राम राम, फिर मिलते हैं।